झांसी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, घायलों को 50,000 की मदद। तो अभी तक राज्य सरकार ने ऐलान किया था मदद का, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से, साथ ही जो घायल है उनको 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर राज्य सरकार की बात की जाए, 5-5 लाख के आर्थिक मदद का ऐलान जो मृतक हैं उनके परिजनों को, जिनके घर में बच्चे की मौत हुई, और जो घायल हैं उनके परिजनों को 50,000। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद और जो घायल हैं उनके परिजनों को 50,000 रुपए की मदद के आर्थिक ऐलान की बात कही गई है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की। तो इसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी बयानबाजी पूरी तरह से जारी है। चुनाव प्रचार के दौरान जहां अखिलेश ने हमला बोला, वहीं सीएम योगी ने पलटवार किया। बीजेपी और एसपी में वार पलटवार जारी है। अखिलेश ने पीडीए के मुद्दे पर घेरा। नौकरी रोजगार पर अखिलेश ने सरकार से सवाल पूछे। सीएम योगी ने करारा जवाब भी दिया। चाचा भतीजा को लेकर तंज कसा। साथ ही सीएम योगी ने एसपी के शासनकाल में नौकरियों में बंदरबांट की बात भी याद दिलाई। को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। यूपी में 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग होनी है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी और विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कटहरी और मंझवा सीट के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली थी, लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अंबेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के मूल्य और सिद्धांतों से भटक चुकी है। अखिलेश यादव ने भी अलीगढ़ में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को सिर्फ मुद्दों से भागना आता है। महंगाई, रोजगार, किसानों पर बात नहीं करती, लेकिन जनता लोकसभा की तरह विधानसभा के उपचुनाव में इनको जवाब जरूर देगी। सीएम योगी पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की परिभाषा नहीं जानते। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। पीडीए की तो नई नई परिभाषा है उनके पास, लेकिन डीएपी की परिभाषा नहीं जानते हैं। गुरुपर्व के मौके पर सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में नेहरू सरकार पर हमला बोला है। योगी ने कहा कि 1947 में तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता। पाकिस्तान में आज सिखों को कीर्तन करने में परेशानी होती है। अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता, और इस समय कीर्तन और अन्य इस प्रकार के आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती, या भारतीय हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। वहीं सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि आजादी की लड़ाई के वक्त बीजेपी कहां थी। उस वक्त वो बीजेपी के पूर्वज अंग्रेजों के हिमायती क्यों बने हुए थे। कभी सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री होते, फला होता तो ये होता, बीजेपी उस वक्त होती तो कश्मीर भारत का हिस्सा होता, पाकिस्तान बंटवारा ना होता, भारत अखंड के रूप में होता,
तो साहब आप क्यों अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे? अपने पूर्वजों से पूछिए ना, किसने रोक रखा था कि आज़ादी की लड़ाई न लड़ी जाए? तब तो आप अंग्रेजों से पेंसिल ले रहे थे, उनको लव लेटर लिख रहे थे, सजा माफ़ी की बात कर रहे थे। तो आज इस तरह की बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए कह रहे हैं। 20 नवंबर को होने वाली उपचुनाव की वोटिंग में अब कम ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरठ में गांव की खूब चर्चा हो रही है क्योंकि उस गांव को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। जरा देखिए रिपोर्ट। तंबाकू सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, ये जानते हुए भी कई लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। लेकिन मेरठ के एक गांव ने मिसाल पेश की है जहां कोई भी शख्स तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करता। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत मेरठ के नंगली किठौर ब्लॉक माचरा को राज्य का पहला तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। यही अपील है यहाँ के लोगों से कि सब कि वो इस चीज को बरकरार रखे, आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर तंबाकू की बिक्री ना होने दे और ना ही उसका सेवन शुरू करे। साथ ही में जैसे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के ग्राम प्रधान ने, यहाँ के बाकी सभी लोगों ने, आशा हो चाहे आंगनवाड़ी, चाहे स्कूल प्रिंसिपल, चाहे यहाँ के दुकानदार, उन सब ने मिलकर, यहाँ की महिलाओं ने मिलकर जैसे यहाँ पर तंबाकू मुक्त किया इस ग्राम पंचायत को, वैसे ही हमारी बाकी ग्राम पंचायतें भी आगे आए। आप लोग जानते हैं कि तंबाकू से बहुत सारी समस्याएं होती है, दिल की बीमारियां और कैंसर तक का हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे नंगली किठोर वालों ने इस चीज को छोड़ दिया है, ऐसे ही मेरी अपेक्षा रहेगी कि बाकी लोग भी, बाकी गाँव वाले भी इसमें पहल करेंगे। गाँव की इस उपलब्धि की चर्चा हर ओर है, जिसके लिए ग्रामीणों ने भी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अभियान को कामयाब करके दिखाया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक नया मुकाम हासिल किया है कि हम गर्व से कह सकें कि हमारे जिले में एक ऐसा गांव है जो तंबाकू मुक्त हुआ है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत हर्ष का विषय है, सराहनीय कार्य है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट में ऐसे कार्य करने को मिल जाते हैं जो कि हम अपने बुकलेट में लिख सकें। नंगली किठौर प्रदेश का पहला गाँव है जहाँ ना तो तंबाकू की बिक्री होती है और ना ही कोई तंबाकू का सेवन करता है। ग्राम पंचायत को स्वस्थ ग्राम पंचायत के तौर पर पहचान मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मेरठ से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।